चलिए आज एक अच्छा सा क्राफ्ट बनाते हैं नवरात्र के लिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें क्राफ्ट में बनती हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे जो माँ को सचमुच में पसंद हो। तो आज हम लोग माँ के लिए बनाते हैं एक अच्छी सी चुनरी। इसको हम किसी भी चीज से बना सकते हैं। वी कैन मेड फ्रॉम एनीथिंग बाय चुनरी, दुपट्टा और एनी क्लॉथ यू हैव। बट आफ बिफोर मेकिंग दिस कीप इन माइंड दैट यू हैव टू मेक दिस चुनरी बाय न्यू दुपट्टा और न्यू क्लॉथ, बिकॉज वी आर मेकिंग इट फॉर माँ दुर्गा। तो क्योंकि माँ दुर्गा के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए कि हम नए दुपट्टे का इस्तेमाल करेंगे। आपके घर में अगर कोई रखा हो या कोई कपड़ा हो, लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि किसी लाल, पीले, हरे या नारंगी इस तरह के कपड़े का, चुनरी का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक, ब्लू इस तरह से के रंग के कपड़े नहीं लेंगे। तो आज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि ये ऑरेंज कलर का दुपट्टा। और इसके लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि ये दुपट्टा ऑरेंज कलर का, एक ये गोटा, सुई और धागा। सुई और धागा लेते समय ये बात ध्यान में रखने की है, उसी रंग का धागा लेंगे जिस कलर का हमारा गोटा है। तो मेरा यहाँ पे दो गोटा जो है वो लाइट येलो कलर का है, तो मैंने धागा भी जो है वो येलो कलर के लिया है हुआ है। साथ ही सुई और सजाने के लिए जो कुछ भी आपको सामान लेना हो वो चीजें, और एक कैची। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम एक खूबसुंदर सी चुनरी माँ के लिए बनाएंगे, जो कि माँ हमको लगता है कि जरूर पसंद करेंगी अगर आप अपने नन्हे हाथों से इनको बनाएंगे तो। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप अपने जो है मम्मी पापा की भी हेल्प, मम्मी पापा या दीदी हो उनकी भी हेल्प ले सकते हैं उसको बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बनाया है एक सुंदर सा दुपट्टा, और मैं इसको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम जो है दुपट्टे को लेंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है ये दुपट्टा, और इसका ये है गोटा, और इसको हम रख करके सिर्फ इसमें जो है छोटे छोटे टांके लगाने हैं, और बहुत ही आसानी से ये माँ की चुनरी जो है वो बन जाएगी। तो इसके लिए देखिए ये दुपट्टा है, और इस पर मैंने ये गोटा इस तरह से रखा है, इसके ऊपर की तरफ, जिधर तरफ से हम उसको सामने की तरफ रखेंगे उसी तरफ से ये चुनरी के ऊपर हम गोटा लगाएंगे। तो ये मेरे पास सुई है, और इसमें मैंने अंत में ये सुई में धागा डाल लेंगे, और इसमें अंत में एक गांठ लगा देंगे ताकि सुई जो ये धागा है वो बाहर ना निकले। और इसको इस तरीके से गोटे को किनारे की तरफ से, ये एकदम उसके ऊपर दुपट्टे के ऊपर एकदम किनारे से रखते हुए, जैसे मैंने ये रखा हुआ है इस तरह से रखते हुए, गांठ को पहले पीछे की तरफ से निकालेंगे। गांठ को पीछे की तरफ से आए इधर से, ये इस तरफ से ऐसे मैं इसको ऊपर ऊपर धागे को पीछे की तरफ रखते हुए छोटा छोटा जो है टांका जो है वो लगाते जाऊंगी। आई एम शोइंग यू हाउ टू मेक इट, ये इस तरह से छोटा छोटा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे बना। ये देखिए ये चुनरी पीछे की तरफ है और ये गोटा आगे की तरफ, और बस इसको छोटे छोटे टांके जो है वो लगाते जाने हैं। ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है, आसान सी चीज है। ये देखिए यूं इस तरह से खींच देंगे। क्योंकि मेरा ये दुपट्टा, ये गोटा जो है वो चौड़ा है, तो दोनों तरफ से टांकना पड़ेगा। एक बार इधर इस तरफ से भी हम इस पे स्टिचेस लगाएंगे, और नीचे की तरफ से भी स्टिचेस लगाएंगे, नहीं तो फिर ये इधर तरफ से खुला हुआ दिखाई देगा। आप माँ के लिए बहुत अच्छी सी चुनरी अपने हाथों से बना सकते हैं। बाजार में तो वैसे मिलती है, लेकिन हम बाजार से अच्छी माँ के प्रति अगर प्रेम दिखाना है तो एक अच्छी सी चुनरी हम माँ के लिए बना सकते हैं अपने हाथों से। तो देखिए ये एक्स्ट्रा था, इतना हमारे कॉर्नर तक आ गया था। इसमें को जो है हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से करके,
बिल्कुल बराबर में रखते हुए यहाँ पे इसमें टाँका लगा देंगे, ये इस तरह से, ये इसको चार खूब अच्छे से पक्का कर देंगे, ताकि जो है ये गोटा जो है वो निकलने ना पाए कपड़े में से। ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो भी बड़े बड़े टांके हैं वो पीछे की तरफ ही आए, जैसे ये मेरे दुपट्टे में ये आए हुए हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी सिल लेंगे इसको। ये देखिए उलट करके भी, ये चौड़ा हिस्सा था दूसरी तरफ का अपोजिट हिस्सा, क्योंकि मेरा ये गोटा चौड़ा है इसलिए इसको दूसरी तरफ से भी फिक्स करना जो है जरूरी है। आप बड़े साइज की, छोटी बड़ी, किसी भी डिजायर नाप की जो है दुपट्टा या चुनरी अपने माँ माँ के लिए बना सकते हैं। देखिए मैं बहुत छोटे छोटे टांके लगा रही हूँ, ताकि जो है वो गोटे के ऊपर से समझ में ना आए, और वही कलर का धागा लेने के कारण धागा जो है वो गोटे में मर्ज हो जा रहा है, मानी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर कोई धागा भी लगा हुआ है, और आपके जो गोटे का जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो भी कम नहीं होगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखने जरूरी है कि आप गोटा जिस कलर का ले उसी कलर का धागा लेंगे। ज्यादातर गोटा जो है वो येलो कलर का ही होता है, गोल्डन कलर का ही होता है, तो आप जो है उसके लिए येलो कलर का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गोल्डन कलर का धागा जो है वो आता नहीं है मार्केट में। अब ये मेरा टक गया है, इसको हम मैं पीछे से बंद कर देती हूँ। ये छोटा सा एक टांका लेंगे, ये इस तरह से जरा सा हल्का सा इस तरह से करते हुए, और इसमें बीच में से यहां से ऐसे घुसा करके, और इसको जब हम खींच देंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको यूं ही नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो धागा खुलने का डर होता है। 2-3 बार इसको ऐसा कर देने से धागा फिर कभी नहीं खुलेगा। और इसको मैं कैंची से यहां से काट दूंगी। अब हम दोबारा से धागे में एक बार फिर से गांठ लगाएंगे। ये इस तरह से, और देखिए आपके पास कोई भी चमकीले नगीने हो, कोई खूबसूरत पैचेस हो, फूल हो, वो सब भी आप दुपट्टे में लगा करके दुपट्टे को सजा सकते हैं अच्छे से। मेरे पास ये छोटे छोटे इस तरह के पैचेस थे, ये देखिए इस तरह के, तो इसको मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर दुपट्टे में लगा दिया है इस तरीके से। ये देखिए एक मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ कि आपको दुपट्टे में पैचेस कैसे लगाने हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने पैचेस को रखा, एक पैच को रखा, और हमेशा धागा पीछे की तरफ से ही लाना है, उल्ट अपोजिट साइड से। ये धागा मैंने निकाला, ये सुई से ऐसे निकाला, बहुत इजी है, और छोटे छोटे टाके लगाते हुए, ये देखिए इस तरह से मैं इस पैच को सिल दूंगी। आप इसको बनाने में अपनी मम्मी या दीदी की भी फ्रेंड हेल्प ले सकते हैं। ये इस तरह से,
चारों तरफ से अच्छे अच्छे उसको टाँग देंगे कि पैच जो है वो निकलने ना पाए। और इस तरह से धागे को पीछे की तरफ ले जाते हुए, जैसे गोटे को मैंने लॉक किया था इंटरलॉक, उसी तरह से इसको भी बंद कर देंगे। ये छोटा सा एक टांका लिया, छोटी सी, और बीच में से इसको निकालते हुए ये इस तरह से टांके को खींच के बंद कर देंगे। ये देखिए, ये ऐसे जरा सा छोटा सा टांका लिया, ये धागे सुई को खींचा, ये छोटा सा जो लूप बना ये इसके बीच में से सुई को लाते हुए खींच देंगे और ये धागा जो है वो इंटरलॉक हो जाएगा। फिर ये पैच जो है नहीं निकलेगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। और देखिए, इस तरह से आप एक सुंदर सी चुनरी, ब्यूटीफुल चुनरी जो है वो माँ के लिए बना सकते हैं। ये देखिए, ज्यादा ही कठिन नहीं है, बहुत आसानी से बन सकती है। और मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के अंदर ही आप पूरी चुनरी जो है वो बना सकते हैं, बहुत ही इजीली, कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली। तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छी सी चुनरी पहन करके आपकी माँ जो है वो, जो दुर्गा माँ है वो जो है वो सुंदर सुंदर लगेंगी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्राफ्ट। बाय।